आ रहा है वो आ रहा तो कर रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा। वैसे विद्यालय की सूचना मिल रही है जहाँ की बच्चे भीषण गर्मी के कारण उसके शरीर पर और पूरा प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि चकदरिया मध्य विद्यालय, पीएस गंगटी, उर्दू मध्य विद्यालय माछीपुर, इस तरह दर्जनों ऐसे विद्यालय हैं। संगठन के माध्यम से कहना चाहेंगे जिला प्रशासन और अपने विभाग को कि निश्चित तौर पर इसे संज्ञान में ली जाए, अन्यथा आने वाले जैसा कि गर्मी बढ़ रहा है और भी कई घटनाएं घट सकती है। अभी अवकाश के पहले कुछ देर पहले वह भी कार्यालय में बैठे बैठे काम कर रहे थे और अचानक जो है वह बेहोशी की हालत में आ गई। सभी शिक्षकों ने उनको भी पानी का छिड़काव किया, कुछ देर के बाद वह होश में आए। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24। बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और ऐसे में लोग जो है अपने घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिर भी बिहार के सरकारी स्कूल जो है नियमित रूप से संचालित हो रहे हैं, जबकि अन्य विद्यालय जो निजी विद्यालय हैं उनकी गर्मियों की छुट्टियां चल रही है। आपको बता दें कि बिहार के कई जिलों से ऐसी तस्वीरें जो है वो निकल कर सामने आ रही है जहां कई बच्चे जो हैं वो बेहोश हो जा रहे हैं और कई बच्चों की तो मौत भी हो गई है। ऐसे में बात करें भागलपुर के गोडिहा थाना क्षेत्र की, तो वहाँ पर भी सरकारी विद्यालय में कई बच्चे जो हैं दर्जन भर छात्र छात्राएँ बेहोश हो गए हैं। ऐसे में जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं जिला सचिव, उनकी बातों को सुनिए। विद्यालयों का भी खबर आ रहा है और मेरे ही विद्यालय में मध्य विद्यालय गोराडी प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय मुरहन हाट में वर्ग सप्तम की सुप्रिया कुमारी, वह भी अचानक क्लास के दरमियान जो वार्षिक मासिक मूल्यांकन चल रहा था उसी के दरमियान बच्चे धीरे धीरे संश्लेष हो गई। उसके बाद वर्ग शिक्षक श्री आलोक कुमार वहाँ से सूचना दिए प्रधानाध्यापक को, फिर उसको लाया गया, फिर उसे पानी का छिट्टा और कई देरों के बाद मिनटों के बाद फिर होश में आई। इस तरह का गोराडी प्रखंड में दर्जनों वैसे विद्यालय की सूचना मिल रही है जहाँ की बच्चे भीषण गर्मी के कारण उसके शरीर पर और पूरा प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि चकदरिया मध्य विद्यालय, पीएस गंगटी, उर्दू मध्य विद्यालय माछीपुर, इस तरह दर्जनों ऐसे विद्यालय हैं जिसकी सूचना मिल रही है। मैं शिक्षक संगठन के माध्यम से कहना चाहेंगे जिला प्रशासन और अपने विभाग को कि निश्चित तौर पर इसे संज्ञान में ली जाए, अन्यथा आने वाले जैसा कि गर्मी बढ़ रहा है और भी कई घटनाएं घट सकती है। हमारे ही सहयोगी शिक्षक श्री मनोज कुमार मंडल भी अचानक अभी अवकाश के पहले कुछ देर पहले वह भी कार्यालय में बैठे बैठे काम कर रहे थे और अचानक जो है वह बेहोशी की हालत में आ गई। सभी शिक्षकों ने उनको भी पानी का छिड़काव किया, कुछ देर के बाद वह होश में आए। तो निश्चित तौर पर भीषण गर्मियां हैं, कई गार्जियन भी बच्चों को ले जाने के लिए यहां आने लगे कि नहीं हम लोग के बच्चों को छोड़ा जाए। इसलिए निश्चित तौर पर आग्रह करेंगे कि इस स्थिति को आपातकालीन स्थिति को देखते हुए संज्ञान में लें और निश्चित तौर पर बच्चों के हित के लिए कोई उचित निर्णय लें। मैं वीर शिवाजी, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल, प्रखंड अध्यक्ष, जिला सचिव। आपने सुना कि जिला सचिव वीर शिवाजी ने तमाम बातों को लेकर कहा कि जिस तरीके से बिहार में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाए ताकि जो बच्चे हैं वो अपने घरों में सुरक्षित रहें। जिस तरीके से बच्चों की जान जा रही हैं, कई बच्चों जो हैं बेहोश हो गए हैं, हमारे सहपाठी भी बेहोश हो गए हैं। आपने सुना कि किस तरीके से वीर शिवाजी ने तमाम बातों को लेकर जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।